आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ, आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत छोटे मार्क्स में हमारा वेटेज रखता है एग्ज़ाम में, पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है और इसको इतना माइंड में कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ईजिली इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वो वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें दोनों में वैरी करता है साइनोसॉइडली। तो ये क्या है, ये एक तरीके की वेव है जहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक जो फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों हमारे वैरी करते हैं साइनोसॉइडली, ठीक है, इन स्पेस और विद टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो दोनों फील्ड हैं ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहते हैं और हर फील्ड जो ईच फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहती है डायरेक्शन जो प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है, ठीक है। तो ये आपस में तो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, पर ये जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसके भी परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। देन अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सवेल थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिनकी सारी फ्रिक्वेंसीज यानी कि सारी वेवलेंथ भी प्रोपोगेट करती हैं वैक्यूम में, और वो वैक्यूम दी जाती है सी इज इक्वल टू 1/√μ0ε0, जहाँ म्यू नॉट क्या है, हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ पे म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो हमारी बराबर होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मिली एम्पियर इनवर्स। वहीं पे एप्सिलॉन नॉट की कितनी होती है, ये होती 8.85 × 10⁻½ c² n-1 m-2। और इन दोनों को हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा c है वो कितना मिलेगा हमें, ये जो c की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁸ m/s, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। अगर प्लेट्स जो चार्ज कैपेसिटर की हैं वो दोनों को जॉइन कर दें एक कंडक्टर के थ्रू, और चार्ज जो अराइज होगा उनके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और जो कंडक्शन करंट जो फ्लो होगा कंडक्टर की वजह से, तो मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया था जैसे चार्ज जो पार्टिकल का है वो डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पार्टिकल कॉल भी डिक्रीज करेगी विद टाइम, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें सिग्निफाई क्या करेगा, वो सिग्निफाई करेगा कि देर मस्ट बी सम करंट जो उनके बीच में फ्लो कर रहा हो। तो मैक्सवेल ने इसको टर्म किया था मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम आईडी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट dΦe/dt के, ठीक है, जहाँ φe क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देन इसके बाद अब हमारी आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है मैक्सवेल इक्वेशंस क्या थी, मैक्सवेल ने कौन सी इक्वेशंस दी थी जो हमारा करेक्शन बनके उसने सॉल्यूशन दिया था मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने 1862 में एक बेसिक लॉ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दिया था एक फोर फंडामेंटल फॉर्म इक्वेशन में, कि अगर एब्सेंस हो डाइलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक मटेरियल का तो उनको हम मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से भरा पड़ा है
और फॉलोड किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना से, जिसको हम इंटीग्रल फॉर्म में इस तरीके से देख सकते हैं। तो पहला हमारा फॉर्म है गॉस लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलिए वो देख लेते हैं। ये लॉ ये देता है कि जो टोटल फ्लक्स है इन टर्म्स ऑफ चार्ज जो इंक्लोज्ड है क्लोज सरफेस पे, और ये लॉ ये भी स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो स्टार्ट करेंगी पॉजिटिव से और एंड कहाँ करेंगी नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्लोज पार्ट नहीं रखता। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट हमारा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो एक फोर्स की एंटर कर रही हैं क्लोज इंटर सरफेस में वो इक्वल रहेंगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर आ रही हैं। और ये लॉ ये भी कहता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ बनाता है। और ये लॉ ये भी प्रेडिक्ट करता है कि जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में। देन इसके बाद हमारा आता है थर्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये लॉ रिलेशन दिया था इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से, और ये भी बताता है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो इसलिए इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो अब हम ई डॉट डी एल जो है वो बराबर रहेगा माइनस डी फाइव बी बाय डी टी के, ठीक है। ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। देन फोर्थ हमारा है एम्पियर मैक्सवेल्स। तो ये जो सारे रिलेशंस हैं ये आपको याद होने चाहिए। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये लॉ ये स्टेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्शन करंट में वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये लॉ ये भी स्टेट करता है कि जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दोनों की कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। तो एट अ इंस्टेंट हम देखेंगे कि जो सर्किट है कंडक्शन करंट वो इक्वल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो अगर हम लाइन इंटीग्रल बनाए ई डॉट डी एल तो ये बराबर रहेगा म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दोनों का एडिशन। और ये इक्वेशन को हम कलेक्टिवली सारी इक्वेशंस को, चारों इक्वेशन जो हमने निकाली है ये और ये वाली और ये जो सारी जो हमारी इक्वेशन है इन सबको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट क्या थे मैक्सवेल्स इक्वेशन के। तो पहला रिजल्ट जो हमारे मैक्सवेल इक्वेशन से आया है वो ये कि जो एवरेज हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है एसोसिएट जो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसको हम लिखते हैं म्यू एवरेज इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट होल स्क्वायर। ये हमारी कहलाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हम म्यू ए वी को लिखते हैं हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे ये म्यू नॉट हमारा म्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये म्यू नॉट रहता है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। इंटेंसिटी जो डिफाइन करी जाती है नेक्स्ट रिजल्ट में ये दिया था कि जो इंटेंसिटी डिफाइन की जाती है एज एनर्जी जो क्रॉस कर रही है थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, उसको हम आई से लिखते हैं और ये होता है म्यू ए वी इंटू सी, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर। और हम इन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हाफ म्यू नॉट सी बी नॉट स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। तो ये थे हमारे रिजल्ट मैक्सवेल इक्वेशन से। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं, एक बार वो गो थ्रू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस तरीके से हमारा फॉर्म किया गया है। अगर एनर्जी जो कंटेन्ड है इस सिलेंडर में ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना और लेंथ इतनी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो हमारी इतनी दी हुई है, तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव हमारी क्या रहेगी, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। लेंथ गिवन है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो जो हमारी इंटेंसिटी होती है, अभी हमने देखा है कि इंटेंसिटी हमारी कैसे डिफाइन की जाती है वेव की, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, हाफ एप्सिलॉन सी ई स्क्वायर, ये हमारी डिफाइन की जाती है। ठीक है, एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। अब ई नॉट हमारा क्या है, 100, यहाँ से 100 गिवन है हमें ये रिलेशन, तो हम सिंपली इसको अगर हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, हम वैल्यूज पुट इन करेंगे तो आई की जो वैल्यू है वो हमारी सिंपली आ जाएगी 4.4 × 10⁻¹। ये 100 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और लेंथ भी हमें गिवन है एक्स से, तो ये हमारा सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸, और हमें ये गिवन है 4.4। तो वैल्यूज हम पुट इन करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 13.2 W/m³। तो सिंपली हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट वैल्यू पुट इन करके। तो इसी से बेस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस अगर हमें फॉर्मूला करेक्ट याद हो तो हम सिंपली अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका पॉइंटिंग वेक्टर हमें 5 W/m² दे रखा है, वो अब्सॉर्ब हो रहा है बाय सरफेस ऑफ सम एरिया। अब यहाँ पे अगर फोर्स जो सरफेस पे लग रही है वो हमारी 10⁻⁷ N है, तो एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है। अब जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर जो हमें इंटेंसिटी के रिलेशन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, पी हमारा होता है प्रेशर इंटेंसिटी बाय सी जितनी हमारी लाइट है, तो ये हो जाता है 5 हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। और फोर्स कैसे डिफाइंड होता है, फोर्स हमारा डिफाइंड होता है ये हमारा फोर्स हमारा डिफाइंड होता है प्रेशर इंटू एरिया, जहाँ से हम एरिया लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा F/P। ठीक है, अब A कितना हो जाएगा, F हमें कितना गिवन है, अगर फोर्स हमें 10⁻⁷ गिवन है तो 10⁻⁷, और ये हमारा कितना है 5 × 3 × 10⁸, तो ये सिंपली हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 m². तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इस एग्ज़ाम में इसको मतलब आप इस चैप्टर को बहुत इजीली रिवाइज करके और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर के आप उठा लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशंस इस चैप्टर से आते नहीं हैं। आप हमारा सीरीज़ फॉलो करते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्लास 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।